हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने लैपटॉप चेक कर रही थी तो मुझे पुराना एक वीडियो मिला था, जो कि मैं तभी सोची थी कि मैं कभी अपना चैनल खोलूँगी यूट्यूब में, तो मैं ये ट्रैवल ब्लॉग ज़रूर डालूंगी उसमें, क्योंकि मुझे अच्छा मेमोरीज कैप्चर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जगह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, मैं एक जीप में बैठी हुई हूँ और मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, वो चाय पी रहे, क्योंकि तब सुबह का 4 बज रहे थे और अंधेरा ही था थोड़ा थोड़ा, आप लोग देख पाए थे पहले स्टार्टिंग में। और अभी हम लोग इस पॉइंट पे रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एक परमिट लेना होता है, जो कि अंदर आपका एंट्री के लिए, तो इसलिए ड्राइवर गए हुए थे अपना वो लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ से वो जो आप देख पा रहे हो पुलिस वो बैरिकेड उधर रखा हुआ है, वहाँ से आप लोग का एंट्री पॉइंट है, वहाँ से मतलब एंट्री कर सकते हो। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये एंट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, और दोनों ही तरफ जंगल है और ये नीचे बहुत ही अच्छा सड़क बना हुआ है, यहाँ से एंट्री करते हैं। और जीप बहुत ही स्लोली जा रहा था, बट मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा स्पीड में डाल दी हूँ ये वीडियो, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि टोटल हम लोग को करीब 5 घंटा लग ही गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इतना ही बड़ा है कि आप एक दिन में 5 घंटा या फिर 6 घंटा बिता लो, लेकिन कवर नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप 4 दिन अगर रहोगे तो 4ों दिन अगर आप 5 घंटा करके दोगे तो शायद कवर हो जाए। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, दोनों तरफ जंगल है और ये बहुत ही स्लोली जा रहा था ये जीप। और आगे हम लोग का आगे भी एक जीप जा रहा है था, जहाँ पे एक फैमिली है। तो हम लोग भी सब कोई गए थे, मैं, पाही, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, और कुही भी गई थी, बट हम लोग कुही को जंगल के अंदर नहीं लेके गए। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है बोल के यहाँ पे अच्छा सड़क बना हुआ है, बट अंदर आप लोग को कच्चा सड़क ही देखने को मिलेगा, वहाँ से कच्चा सड़क ही स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा एनिमल्स नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी दिख जाए, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं पे आप लोग को रुक के या फिर उतर के देखने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ऐसा पॉइंट्स ज़रूर है जिसमें आप उतर के देख पाओ, या फिर आपको अगर बाथरूम लगा है तो आप जा सकते हो, या फिर आप अपने साथ कुछ लेके आए हो खाने के लिए, या फिर आपके पास साथ बच्चा है उनको आप खिलाना चाहते हो तो आप रुक के ज़रूर खिला सकते हो। तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पे सब गाड़ी जितना भी जीप है सब रुक के अपना जो खाना अपने साथ लेके आए हैं वो सब खा रहे हैं, या फिर बाथरूम गए हैं कोई कोई, क्योंकि उधर से अंदर मतलब जितना भी जगह है वहाँ पे उतरने का जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही सब कोई रुक के खाना खा रहे हैं और बाथरूम वगैरह जा रहे हैं, या फिर किसी को अगर तबीयत ख़राब लग रहा हो तो थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग देख रहे हो मतलब थोड़ा दूर में कुहासा है, क्योंकि बहुत ही सुबह सुबह हम लोग गए थे और ठंडा भी था, इसलिए ऐसा है। और यहाँ पे कच्चा सड़क स्टार्ट हो जाता है, हम लोग जा रहे हैं, दोनों ही तरफ जंगल, घना जंगल है। यहाँ पे एनिमल्स वगैरह दिखने को मिला था हम लोग को, लेकिन वो बहुत ही दूर में था, इसलिए मैं ये वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हो सकता है मैं अगर कैप्चर करने लगूँ तो वो लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा सतर्क हो जाए या फिर हमला कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है एक्चुअली, लेकिन नहीं होता है ऐसा भी नहीं बोल सकते हो आप। और आपके साथ एक सुरक्षाकर्मी भी रहता है कि ताकि कोई कुछ मतलब आप भी पैनिक ना हो और एनिमल्स भी वो ना हो जाए, आपके ऊपर हमला ना कर दे, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा सा व्यूज़ का कैप्चर करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त था रुकने का, इसलिए हम लोग रुके थे। तो यहाँ पे एक आप रिवर देख पा रहे हो, ये है कोसी रिवर। हम लोग जितना भी कॉर्बेट घूमे थे उतना ही हम लोग को ये रिवर मिला था। मुझे नहीं पता ये रिवर कहाँ तक जाता है, कहाँ तक है, बट हाँ ये रिवर बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे एक ऐसे सड़क बना हुआ है, आप यहाँ से जा सकते हो, थोड़ा यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई कोई फ़ोटोज़ ले रहा था। और यहाँ का कंक्रीट भी इतना सुंदर है, गोल गोल सा है, और दूर में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका है। और ये आप लोग देख पा रहे हो एक मतलब ढेर सारा एक साथ खेल रहे थे चिंपांजी, तो मैंने इन लोग को कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैं बाकी एनिमल्स नहीं दिखा पाई आप लोग को, लेकिन इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही पास था हम लोग का और बहुत भी सुंदर भी लग रहा था। दोनों सब कोई मतलब मिलके खेल रहे थे और ये लोग का बीच इतना प्यार था, वो देख के और अच्छा लग रहा था।
ये देखिए कितना सुंदर से बैठ के वो कुछ चिंता कर रहा था, फिर निकल गया क्योंकि पता चल गया कि हम लोग उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी चले जाएंगे, फिर मैं आप लोग को एक बहुत ही सुंदर एक जगह दिखाने वाली हूँ, जो कि है आपका सस्पेंशन ब्रिज कोसी रिवर के ऊपर। वो ब्रिज बहुत ही लंबा है और बहुत ही सुंदर है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, यहाँ पे एक गेट के लिए इतना बड़ा सा गेट बना हुआ था, और यहाँ से वो एंडिंग आप देख पा रहे हो, वो एंडिंग पॉइंट है वहाँ का। और उधर से पीछे की तरफ भी जंगल है, और वहाँ से यहाँ से होके ऐसे जाना होता है, पार करने का, और बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है, इसी से आपको जाना पड़ेगा। और ये हिलता है बहुत ज़्यादा ब्रिज, डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, कोई देखिए ऊपर उठ के फ़ोटोज़ भी खींच रहा है, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। तो हम लोग वहाँ से क्रॉस करके ऐसे आ गए थे, आके पीछे तरफ, ब्रिज के पीछे तरफ ये जंगल था, जहाँ पे पाही देखिए खेल रहे हैं, कोई नहीं था, हम लोग जा रहे थे सिर्फ। और यहाँ पे भी ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, वो देखिए एक मंदिर दिख रहा है वहाँ पे। हम लोग का वो था वहाँ पे जाने का, हम लोग गए थे मंदिर तरफ, बट हम लोग इतना दूर, करीब 45 मिनट्स हम लोग पैदल चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, बट हम लोग को मिल ही नहीं रहा था वो मंदिर। फिर हम लोग वहाँ से आधा से ही बैक हो गए, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही दूर था लगा हम लोग को, लेकिन बाद में हम लोग को किसी ने बताया कि उस पॉइंट से नीचे थोड़ा उतर के वो मंदिर मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग भी बाद में, हम लोग को दुख भी लगा कि हम लोग इतना दूर पैदल गए, बट हम लोग जा ही नहीं पाए। ये देखिए पाही और मैं भी थोड़ा खेल रही थी वहाँ, और ये फिर से कोसी रिवर दिखा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो आप लोग देख पाए मेरे इस वीडियो के ज़रिए, जो कोई नहीं गया है वो लोग ज़रूर जाए, बहुत ही सुंदर जगह है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ DS डेली लाइफ ब्लॉग। बाय गाइज, लव यू ऑल।